फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाकी। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। नेताओं का चरित्र देखिए, आज का आदमी कम से कम नहा धोकर 24 घंटे में अपने वस्त्र चेंज करता है, लेकिन आज का नेता 24 घंटे के अंदर कई बार पार्टियां चेंज करने की कोशिश करने लगा है। रीवा के एक नेता हैं अभय मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी से सेमरिया के विधायक रह चुके हैं। एक बार इनकी पत्नी नीलम मिश्रा भी विधायक रह चुकी हैं। अभय मिश्रा जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी बीते एक सप्ताह में उन्होंने पहले कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अब ऐसे नेताओं का जनता को चरित्र देखना चाहिए कि यह जनता के हित के लिए काम करते हैं या अपने हित के लिए काम करते हैं। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, कांग्रेस को भला बुरा कहा और भाजपा ज्वाइन कर ली। अब भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुझसे वादा खिलाफी की। राजेंद्र शुक्ला के दबाव में अभय मिश्रा का टिकट कटना तय हो चुका है, जिसके चलते अभय मिश्रा ने फिर से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। क्या किसी भी दल को ऐसे अस्थायी चरित्र के व्यक्ति को टिकट देना चाहिए? सच्चाई यह है कि आजकल दल के ही चाल चरित्र अच्छे नहीं हैं। यदि राजनीतिक दलों के चाल चरित्र अच्छे होते तो नेता इस तरीके से चद्दर की तरह पार्टी नहीं बदल रहे होते, नेता इस तरीके से हरकत नहीं कर रहे होते। कायदे से ऐसे नेताओं को किसी भी दल को टिकट नहीं देनी चाहिए। यदि कोई दल टिकट दे भी तो जनता को ऐसे नेताओं को सबक सिखा देना चाहिए। हालांकि पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में रीवा की जनता ने अभय मिश्रा को सबक सिखा दिया था। अभय मिश्रा को यह भ्रम था कि वह कांग्रेस की टिकट पर राजेंद्र शुक्ला को पराजित कर देंगे। अभय मिश्रा कांग्रेस की टिकट पर राजेंद्र शुक्ला से लड़े और चुनाव हार गए। अभय मिश्रा ने आज ही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस अभय मिश्रा जैसे दलबदलू नेताओं को टिकट देती है या नहीं। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।